सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पे नियर बाई में कंप्लेंट एंड इंक्वायरी को लेकर एक नया अपडेट आया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कंप्लेंट एंड इंक्वायरी में क्या अपडेट आए हैं और कैसे यूज़ करना होगा, तो आज की वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी मैं आपको बता पाऊँगा कि पे नियर बाई में जो अपडेट आया है उसको कैसे यूज़ करेंगे और कहाँ पर आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपना पे नियर बाई ऐप ओपन करना होगा। तो मैं यहाँ पर अपना पे नियर बाई ऐप ओपन कर लेता हूँ। पे नियर बाई ऐप ओपन करने के बाद सिंपली हमको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो गाइस, इस तरह का इंटरफेस देखने के बाद हमको देखिए यहाँ पर तीन लाइन पर क्लिक करना होगा। तीन लाइन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कंप्लेंट एंड इंक्वायरी, जो कि यहाँ पर इसका अपडेट आया है। अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम आता था पे नियर बाई में, तो हम यहाँ पर से कंप्लेंट एंड इंक्वायरी कर पाते थे। तो यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देता था और यहाँ प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना होता था, फिर जो भी हमको कंप्लेंट करना होता था यहाँ पर से हम कंप्लेंट करते थे। लेकिन एक नया अपडेट आया है, सिंपली अगर आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कंप्लेंट एंड इंक्वायरी पर नहीं आना होगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, सिंपली अगर आपको रिचार्ज किया है, तो मैंने यहाँ एक रिचार्ज किया था, तो सिंपली रिपोर्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद रिचार्ज रिपोर्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कल रिचार्ज किया था 9 तारीख को, तो यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद डन कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर रिचार्ज किया था, तो सिंपली अगर यहाँ पर आपको रिचार्ज फेल्ड हो जाता है या कुछ भी। सो गाइस, रिचार्ज रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमें इस तरह के इंटरफेस दिखाई देंगे। तो मैंने यहाँ पर 149 रुपये का रिचार्ज किया था, जो कि जियो का था। अगर ये फेल्ड हो जाता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ रैश कंप्लेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर आपको कंप्लेंट करना है तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सिलेक्ट प्रोडक्ट का ऑप्शन आ चुका है, जो कि ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है, और जो हमारा ट्रांजेक्शन आईडी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो चुका है। वहाँ पर से अगर हम कंप्लेंट एंड इंक्वायरी पर क्लिक करते हैं और वहाँ कंप्लेंट करते हैं, तो इसको हमको वहाँ पर फिल करना होता था, यहाँ पर डायरेक्ट फिल हो चुका है। अगर आप कंप्लेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसका अपडेट आ चुका है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी अलग से डालना नहीं पड़ता है, यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर और भी सिलेक्ट करना होगा बाकी सर्विसेज, इसके बारे में आपको नया वीडियो बना कर दे दूँगा। तो यही कंप्लेंट एंड इंक्वायरी का जो नया अपडेट आया है उसके बारे में मैं बता रहा था। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसे कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर फिल करना होगा, उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देना, फिर यहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर लेना, साथ में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं।